हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा A to Z। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी, और इसमें जूनियर इंजीनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ है। काफ़ी सारे युवा जूनियर इंजीनियर वैकेंसी का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी लास्ट डेट 1 मार्च 2019 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, हो सकता है ये वैकेंसी आपके काम की हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे को जिस तरह का रेड कलर का आइकन आ रहा है उसे प्रेस करना है, उसके बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो आपको ये बेल आइकन दिखाई दे रही है दोस्तों, उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना होता है कि सर अब पता ही नहीं चलता आप वीडियो कब अपलोड करते हो। तो इस बेल आइकन को अगर आप ज़रूर दबाएंगे तो आपको प्रत्येक लेटर जॉब्स की जो वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा। तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इस वैकेंसी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पोस्ट की बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया असिस्टेंट इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर के इसके अंदर पद हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी है आपकी 264। अब बात करते हैं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां हैं। तो बात करें दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो उसकी 7 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, उसकी 13 वैकेंसियाँ, और जूनियर इंजीनियर सिविल की 103 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 33 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 61 वैकेंसियाँ हैं, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 27 वैकेंसियाँ हैं। इस प्रकार से जो आपके पास सिविल इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है डिप्लोमा है अगर आपके पास, या इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रिकल या सिविल से या मैकेनिकल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल एवं OBC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए एग्जाम फीस 100 रुपये है, और जो SC ST PWD एक्स सर्विस मैन वोमेन है उनके लिए इसकी जो एग्जाम फीस है वो 0 रुपीस है। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो जो पोस्ट है दोस्तों 5 नंबर पोस्ट, उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 ईयर पोस्ट 5 के लिए, और पोस्ट 6-7 के लिए पीछे आप देख सकते हैं पोस्ट पे, तो 6-7 के लिए 18 से 27 ईयर है दोस्तों। और बात करें एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर है पोस्ट 1 के लिए, और 30 ईयर है पोस्ट 2 के लिए, और 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है 3 और 4 पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार के सभी पोस्टों के लिए अलग अलग दी गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पोस्ट के लिए 32, सेकंड पोस्ट के लिए 30 ईयर, और थर्ड फोर्थ के लिए 27 ईयर, और फिफ्थ के लिए 18 से 30 ईयर, और जो 6-7 है उसके लिए 6 से 6-7 पोस्ट के लिए 27 ईयर इसमें पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर की छूट दी गई है दोस्तों एज में, और SC ST को 5 ईयर की एज में छूट दी गई है, और भी छूट दी गई है PWD एक्स सर्विस मैन को। तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोस्तों, वहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी डिटेल की। तो सैलरी डिटेल आप बता दूं कि आपको सैलरी इसमें 9300 से 34800 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, और ग्रेड पे 4200 4600 रहेगा। जो दोनों अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे बहुत ही शानदार है दोस्तों। उसके अलावा जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो पॉलिसी है, जिसमें महंगाई भत्ता TA DA जो है वो आपको एक्स्ट्रा अलग से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट रहेगा, तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की। तो इसके फॉर्म 30 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप ये फॉर्म 1 मार्च 2003 तक भर सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों ये फॉर्म भरें कैसे। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.delhi.government.in, या आपको ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी ले सकते हैं इस वेकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वेकेंसी जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर थी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वेकेंसी को लेकर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटर जॉब्स की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब तक आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।